डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर क्यों किया जो बाइडेन पर तीखा वार, कराची में क्यों मचा हाहाकार और चीन क्यों मारना चाहता है 23 अफ्रीकी देशों को भूखा। आप देखिए न्यूज टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन पर तीखा हमला किया है। ट्रंप ने कहा कि बाइडेन अपने उपराष्ट्रपति कार्यकाल को याद करें, उस वक्त तय समय पर स्वाइन फ्लू की दवाई नहीं मिली थी जिससे हजारों लोगों की मौत हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन ट्विटर ने जो बाइडेन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ट्विटर ने कहा कि 20 जनवरी को शपथ ग्रहण के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्विटर अकाउंट वो जो बाइडेन को सौंप देंगे। 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी नई टीम बनाने में जुट गए हैं। बाइडेन ने ओबामा के साथ काम कर चुके 4 अधिकारियों को अपनी टीम में शामिल किया है, जिसमें भारतीय मूल की माला अडिगा को पॉलिसी डायरेक्टर और ओबामा प्रशासन में चीफ ऑफ स्टाफ रही कैथी रसील को व्हाइट हाउस ऑफिस की डायरेक्टर बनाया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कतर और तालिबान और अफगान सरकार के वार्ताकारों से मुलाकात की और अब तक हुई बातचीत के बारे में जानकारी ली। अमेरिका अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच जल्द समझौता कराना चाहता है जिससे अफगानिस्तान में शांति स्थापित की जा सके। पाकिस्तान में भी कोरोना का कहर जारी है। कराची में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 4 जिलों में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जबकि अन्य जिलों में माइक्रो लॉकडाउन लगाया गया है। चीन ने कोरोना संकट से जूझ रहे 23 अफ्रीकी देशों को कर्ज देने से इनकार कर दिया है। चीन ने अफ्रीकी देशों को $2.1 बिलियन का कर्ज देने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना महामारी में पैसे डूबने के डर से अब कर्ज देने से इनकार कर दिया है। चीन के धोखे से अफ्रीकी देशों के सामने भुखमरी का संकट पैदा हो सकता है। IS टीना ढाबी और अतहर आमिर खान की तलाक की खबर पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम देशों में वायरल है। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक UAE के बाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोगों ने टीना ढाबी और अतहर आमिर खान के तलाक की खबर को सर्च किया है। चीन के देसी हेलीकॉप्टर Z-20 ने बर्फीली पहाड़ियों के बीच उड़ान भरी। इसे LSE पर चीन की तैयारियों के मद्देनजर देखा जा रहा है। चीन के Z-20 हेलीकॉप्टर को अमेरिका के मल्टी रोल ब्लैक हॉक की कॉपी माना जाता है। Z-20 को एयरफोर्स, नेवी और पीपल्स आर्म पुलिस फोर्स के लिए ढाला जा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। काबुल की रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर आतंकियों ने 14 रॉकेट दागे हैं, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनमें कई की हालत नाजुक बनी हुई है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।